यार तुम कब आई? मैंने बुलाया उसे। आनंद, इतने उदास मत हो। आज कोई झगड़े वाली बात नहीं होने वाली है। फैसले तो हो चुके हैं। So there's no reason to be scared. पिया और मैं कितनी शांत हैं, कितने आराम से बैठे हैं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ होने वाला है, तुम भी उदास मत हो। प्लीज चेहरे से उदासी हटाओ एंड गिव अस अ स्माइल। पिया, आई एम प्रेग्नेंट। कंग्रेचुलेशंस रत्ना, एंड टू यू टू आनंद। पिया, मैंने तुमसे जो भी बातें की, मेरा यहां से जाना, आनंद से अलग होना, उसका इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। देखो रत्ना, मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया है कि मेरा तुम्हारे और आनंद की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। यह आप दोनों का निजी मामला है। पिया, आई एम गोइंग अहेड विद दिस बेबी। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूं। मैं आनंद से कह चुकी हूं और मेरे ख्याल से आनंद भी समझता है। आनंद, आनंद, मेरे ख्याल से उसे बुरा लगा क्योंकि क्योंकि तुमने ये पेपर्स देख लिए। यू नो पिया, आनंद को लेकर मेरे रिश्ते में यही प्रॉब्लम रही है कि वो तुमसे अलग नहीं हो पाया, तुमसे छूट नहीं पाया। और वो सामान भी है, वो पैकिंग हो गई सारी? हाँ, लगभग करा दिया है बेटा। वो मालिक मकान से बात हो गई? हाँ जी, बात कर ली उससे। बस वो ट्रक वाले से बात करनी बाकी, वो मैं परसों सुबह तक कर ही लूंगा। दादाजी, अगर आपने सब कुछ कर लिया तो आप साथ ही चलिए मेरे। कहाँ चल रहा? नहीं, 2-3 जरूरी काम थे, पर अगर आप वो ट्रक वाले को कंफर्म कर देते तो मैं सोचा था उसको भी एडवांस दे ही देता मैं। बेटा, वो तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल अटल है दादाजी? आप ऐसे ऐन मौके पे पूछ रहे हैं। पैकिंग कर ही लिए सब, मेंटली भी काफी प्रिपेयर्ड हूं। रत्ना, पिया को सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या हुआ आनंद? इसमें मैंने गलत क्या किया? रत्ना, पिया के सामने प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स रखने की क्या जरूरत थी? मैंने जानबूझ के तो नहीं किया आनंद। कभी कभी इंसान के दिमाग से ये बातें निकल जाती है। वो वही पड़ी रही और उसने उठाकर देख ली। नहीं रत्ना, इंसान इतना केयरलेस नहीं होता। हो जाता है आनंद, इंसान परेशान हो जाता है और ये चीजें याद नहीं रहती। क्यों, पिया की भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट उस दिन वहीं पड़ी थी तुम्हारे घर में, जब मैं वहां थी और तुम हॉस्पिटल में थे। वो भी उसे उठाना भूल गई थी। तुम सही कह रही हो रत्ना, लेकिन उस वक्त मैं और पिया शादीशुदा थे, एक घर के अंदर रहते थे। हाँ, बस यही तो फर्क है आनंद, इसी वजह से हम साथ चल नहीं पा रहे। हाँ, हम एक घर में रहते तो है, वो सारी चीजें करते हैं जो एक आदमी और औरत के बीच में होनी चाहिए, मगर तुम दावे के साथ कह सकते? रत्ना, प्लीज इस बच्चे को जन्म मत दो, ये तुम्हारे और मेरे फायदे के लिए है। नहीं आनंद, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर रिश्ता, नुकसान और फायदा, ये कहां होता है?
मुझे हमेशा लगा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो। तुमने हमेशा ऐसा दिखाया कि तुम मेरी तरफ बढ़ना चाहते हो और वहां से निकलना चाह रहे हो। मेरी गलत फहमी थी, मैं भी आगे बढ़ती चली गई और यहां तुम्हारे साथ आ गई सब कुछ छोड़कर। ये एक बहुत बड़ी गिल्ट है मेरे अंदर आना। रत्ना, ये गिल्ट मेरे अंदर भी है तुम्हें और पिया को लेकर। मैं अपनी नजरों में कितना गिर चुका हूं ये सिर्फ मैं ही जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं, प्लीज रत्ना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस बच्चे को जन्म मत दो। प्लीज ये मुझसे मत मांगो आनंद, तुम जो चाहो मैं कर लूंगी, लेकिन इस बच्चे को जन्म नहीं दे दो प्लीज आनंद। आनंद खुशी से एंजेलान, अच्छा वो आप आ गए, मैं आपको अपने पापा से मिलवाना चाहती थी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? आकाश खन्ना। कहाँ है वो इस वक्त? वो बाहर गए हैं। वो हम लोग एक्चुअली चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं। पापा ये सामान पैक करा रहे हैं, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्यों? वो एंजल आंट पापा एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, बचपन से प्यार करते थे, पर उनकी शादी कहीं और हो गई और अब पापा को वो लड़की फिर से मिली और उन्हें प्यार हो गया। वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा ने उन्हें प्रपोज किया, उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए पापा ने कहा दैट वील गो बैक। अब समझाइए ना पापा को। ऑफ कोर्स, मैं मिलूंगी तुम्हारे पापा से तो जरूर मनाऊंगी उन्हें। आप कहिए उनसे कि हम चंडीगढ़ वापस नहीं जाए, हम यहीं रहेंगे। ठीक है, मैं उनसे मिलूंगी तो जरूर कहूंगी, आई प्रॉमिस यू। अब तो मैं उसे रोज मिलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं पापा से कहती थी वो जिससे भी प्यार करते हैं वो उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो पापा को चार चार पांच पांच घंटे रेस्टोरेंट में वेट कराती है, वो पापा से बात तक नहीं करती। पापा कितनी बार उन्हें प्रपोज कर चुके हैं मगर माय डैड लव्स हर अ लॉट। उसी दुख की वजह से पापा ने बोला चंडीगढ़ चलो। लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होगा, अब रिया यहीं रहेगी पिया के साथ। मैं मिलूंगी ना तुम्हारे पापा से तो उनसे कहूंगी कि तुम्हारा सारा सामान फिर से अनपैक कर ले और तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में रख दे। Nobody is going to Chandigarh. Such? पर तुम इतना वक्त ही कहाँ? मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की तुमने? Of course की, मैं आपके ऑफिस में भी गई थी। ऑफिस में वो जो करण अंकल है ना, उन्होंने कहा कि आप इंडिया छोड़कर कहीं और चली गई हो। Anyway. पर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? रिया, मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ ढूंढ रही हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढती? क्या ढूंढ रहे थे आप? बस ढूंढ रही थी। आपको मिला? शायद मिल गया है, शायद नहीं। पर अब मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे वो चाहिए भी या नहीं। अरे, आप जो ढूंढ रही थी वो आपको मिला, पर आप ये फैसला नहीं कर पा रही हैं कि आपको वो चाहिए या नहीं। वेरी स्ट्रेंज। इट इज वेरी स्ट्रेंज। जब पापा आएंगे ना, मैं आपको अपने पापा से मिलवाऊंगी, वो दो मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मेरे पापा बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, आपके पापा बहुत इंटेलिजेंट है? ऑफ कोर्स। ठीक है, तब तो आज मैं उनसे जरूर मिलूंगी। वो कब लौटेंगे? वो थोड़ा आज लेट आएंगे। नेवर माइंड, ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन आज हम उनसे मिलेंगे जरूर। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? कुछ भी नहीं।
एंजल एंड आई लव यू वेरी मच। मी टू रिया। आप यहाँ रह जाओ ना हमारे घर में हमारे साथ, पापा को भी अच्छा लगेगा। क्या? मैंने आपके सेल पर कितनी बार ट्राई किया पर आपका फोन लग रहा ही नहीं था। पापा, वो जो एंजल आंट है ना जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी, जो मुझे स्कूल के पिकनिक में मिली थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती थी, पता है मैं उनसे मिली, वो आज यहाँ पर आई थी। अच्छा? पापा, आपके उससे अच्छी तो मेरी एंजल आंट है। अगर आप थोड़े दिन और रुक जाते तो मैं आपको अपनी एंजल आंट से मिलवाऊं। पापा, यू विल बी वेरी हैप्पी। आप उनसे मिलके इतना खुश होंगे कि आप अपने उसको भूल जाओगे। वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मुझे मेरी एंजल आंट पर पूरा भरोसा है कि वो आपको जरूर प्यार करेगी। आई एम श्योर। लेकिन अच्छा, तुम्हारी एंजल आंट का नाम क्या है? पिया नाम है। मेरी एंजल आंट का नाम पिया है। सुना है तुमने नया घर खरीदा है? शिफ्ट करने वाली हो तुम? हाँ, पर अभी नहीं। I want to do it up first, उसके बाद। क्या आर्किटेक्ट तो मैं हूँ, मुझसे अच्छा घर तो तुम सजाती हो। इस बार बनाने की भी कोशिश करूंगी। चाय पियोगे? मैंने चाय पीना छोड़ दिया। तुमने चाय छोड़ दी है। बहुत कुछ छूट गया मुझसे पिया इतने छोटे से वक्त में। बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ मैं तुम्हारे पास। मैं अभी आती हूँ। जिस लड़की से तुम्हारे पापा सबसे पहले प्यार करते थे उसका नाम पिया था। मेरी पड़ोसी। पिया की शादी हो गई, वो मुंबई आ गई। मैंने उसको भुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन भुला नहीं पाया। फिर मेरी जिंदगी में तुम्हारी मम्मी आई। तुम आई, तुम्हारी मम्मी चल बसी और उसके बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद रह गया, रिया। रिया की पढ़ाई, रिया का फ्यूचर, रिया की देखभाल। और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि तुम्हारे पापा ने सोचा कि वो गीता से शादी कर ले, क्योंकि उस वक्त रिया को एक माँ की बहुत जरूरत थी। लेकिन इससे पहले मैं गीता से कुछ कहता, मेरी जिंदगी में फिर से वही मेरी पड़ोसी वापस आ गई और उसका नाम पिया था। गीता ने कहा कि वो मुझे अपनी सहेली से मिलवाना चाहती है, तो मैं उसकी सहेली से मिलने गया और वो कौन निकली? पिया। और तुम भी न जाने कब से अपनी एंजल आंट को ढूंढ रही हो, कब से उनका जिक्र कर रही हो, और आज तुम्हें तुम्हारी एंजल आंट मिलती है और वो पिया है। जिस लड़की को मैं प्यार करता हूं, जिसको मैंने प्रपोज किया, जिसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुंबई छोड़ के जा रहे हैं, उस लड़की का नाम भी पिया है और वही पिया तुम्हारी एंजल आंट है। पापा, वो एंजल आंट और पिया एक ही है। हाँ बेटा, एंजल आंट और पिया एक ही है। But now you must get ready to leave. क्योंकि हमारे सामने एक नई जिंदगी है, एक नया सफर है,
हम कुछ देर के लिए मुंबई आए, तुम्हें तुम्हारी एंजल आंट मिली, मुझे पिया मिल गई, लेकिन अब हमें वापस जाना है और ये देखना है कि आगे हमारी जिंदगी में हमारे हिस्से में क्या आता है। लेकिन जो भी आएगा अच्छा आएगा, राइट? या मैंने मीठा छोड़ दिया। तुम्हें कोई मिला नहीं समझाने के लिए कि तुम मोटी नहीं हो? तुमने चाय कैसे छोड़ दी? अल्सर्स हो गए थे। आनंद ये कब हुआ? कब हुआ कुछ पता ही नहीं चला पिया, कैसे हुआ ये भी जान नहीं पाया मैं। बस एक के बाद एक चीजें होती चली गई, सिर्फ उसका असर मैं महसूस कर पाया। या मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं, आनंद। आदमी को हर बार ये क्यों लगता है कि अगर वो आगे निकल जाए और फिर वापस लौट के आए तो उसकी बाकी की जिंदगी वैसी ही रहेगी, वही ही रहेगी जहां वो उसे छोड़ गया था। उसे ये एहसास क्यों नहीं होता कि सिर्फ हम नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं। आनंद मेरी जिंदगी में शायद कोई है, मैं नहीं जानती कि मैं उसे प्यार करती हूं या नहीं। मैं इस रिश्ते को किस नाम से पुकारूं ये भी नहीं जानती, लेकिन वो मेरा बहुत अजीज है, मेरे लिए अहम है, ये मैं महसूस कर रही हूँ। आनंद मुझे डर है कि तुम्हारा डर हकीकत न बन जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकती पिया, तुम ऐसी नहीं हो। मैं क्या नहीं कर सकती आनंद, मैं कैसी नहीं हूँ? मैंने तुमसे भी तो प्यार किया था, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है आनंद। मैंने बहुत सोचा और बार बार सोचा कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो सही है या गलत, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मैं कहीं तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं कर रही? एक औरत की ईमानदारी देखो आनंद, वो अपने मरे हुए रिश्ते में भी कहीं एक सांस ढूंढती है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, एक चिंगारी भी नहीं मिली। हमारा रिश्ता मर चुका था आनंद। आनंद मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर पाऊंगी, कभी मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी नहीं करूंगी। मैं शायद आकाश से प्यार करती हूं, और इस बात को लेकर मुझमें कोई गिल्ट नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरा मन इस मामले में बिल्कुल साफ है। मैं नहीं उसे छुप छुप के मिलती हूँ और नहीं उसे किसी से भी छुपाती हूँ। आनंद मैं अभी आती हूँ।